दोस्तों, कैसे हम सभी लोग, आए हो आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपने रिकवरी को अपडेट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पे अपडेट आ चुका है, आज तो नहीं, मतलब आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आ चुका होगा। ठीक है, तो दो तीन दिन हो चुके होंगे तो अपडेट आ चुका है। जी हाँ, रिकवरी का अपडेट आ चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही रिकवरी। ठीक है, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और अगर आप कोई भी रिकवरी पर अभी फिलहाल हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप सिंपली मैं आपको जो स्टेप बता रहा हूँ वही आपको यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिंक में जाएंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, आप कोई भी एक चूज कर देना। अगर आपके पास पैसे हैं तो इसको डोनेट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर नो कर देना। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो रिकवरी जो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है, सब कुछ कि क्या करना है और क्या नहीं। वीडियो को पूरा देखिए वरना आपका फ़ोन जो है शायद बूट लॉक में अटक जाए। ठीक है, मैं सब बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे पावर बटन को दबा रखना है, एडवांस में जाके सीधा आपको रिकवरी मोड में चला जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिकवरी मोड है, यहाँ पे डायरेक्टली हमारा ओपन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं रिकवरी ओपन होने में। जस्ट यहाँ पे अभी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे देखते तो हो गया है। तो ठीक है, आपको जहाँ पे भी आपने वो रिकवरी डाउनलोड करके रखी है वहाँ पे आपको फाइंड करनी है। मैंने यहाँ पे इसको बाहर ही फेंक दिया है, आप चाहो तो कहीं भी इसको फेंक सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने इसको बाहर ही फेंक दिया है। तो ये रही, आप देख सकते हैं, मैं आपको फोकस करके भी अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ही करना और कुछ नहीं करना और सीधा स्वाइप कर देना है। ठीक है, और कोई कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको कोई सेटिंग्स वेटिंग्स नहीं करनी है। ठीक है, जिप फाइल कुछ भी नहीं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है, सीधा आपको ये फाइल सिलेक्ट करके सिंपली वाइप कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसकी होती है और ऑटोमेटिकली जो है आपका फ़ोन अभी रिबूट होगा नई रिकवरी में। ठीक है, तो थोड़ा और वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस टाइप को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये लुक काफ़ी मतलब तगड़ा लगता है, न्यू वर्जन है। ठीक है, तो भी देखते हैं और क्या कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे मेरा फ़ोन जो है वो बूट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अपना पैटर्न लगा देता हूँ, पासवर्ड लगा देता हूँ। ठीक है, ओके भाई लग जा। ओके, लग गया यहाँ पे पासवर्ड मेरा कम्प्लीटली। तो गाइस फाइनली यहाँ पे हमारे रिकवरी कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, मतलब सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। तो ये लुक आप देखते थे कुछ इस टाइप को हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि ऊपर के साथ हम देखें तो यहाँ पे आपको एक सर्च बार भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपको पहले कुछ अलग दिखता था, बट अब आप देख सकते काफ़ी तगड़ा देखने में लगता है। ठीक है, आपको मैं फोकस करके दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का लुक आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पे सब कुछ बात करें कि कैसा है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सीधा सेटिंग्स में। यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे सेटिंग्स में आपको पहला ऑप्शन मिलता है जनरल का, जहाँ पे आपको सभी सेम ही फीचर अब पहले के जैसे ही देखने के लिए मिल जाएंगे। कस्टमाइजेशन, तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ क्या मिलता है। ठीक है, कलर्स है, आप वहाँ पे यहाँ पे चेंज कर सकते हो कस्टमाइजेशन में। और भी कस्टमाइजेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो सेटिंग्स में जाएंगे, कस्टमाइज सिक्योरिटी में आप भी आपको कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, गेस्ट नेविगेशन में यहाँ पे आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बार में चेंज कर सकते हैं, लाइक कि आपका जो बैटरी आइकन है वो यहाँ पे सर्कल जाएँ या पोर्ट्रेट, तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, जो कि है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ही टाइप का भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। सब कुछ अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ये इंस्टॉलेशन में। और जहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना कुछ तरफ ऐसा ही सब कुछ आपको करना है। ठीक है, जो भी मैंने स्टेप दिए वही करना और कुछ भी यहाँ पर नहीं करना आपको। ठीक है, जो आपका फ़ोन है उसी की आपको रिकवरी यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, ये मेन बात है। ठीक है, आपको उस बात का ध्यान रखना है कि किसी और की रिकवरी जो आप इंस्टॉल मत कीजिए। ठीक है, अपने फ़ोन के लिए कीजिए। ये मैंने डाउनलोड किया Redmi Note 7S के लिए, और आपके पास भी Redmi Note 7S आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ही, वो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत आती है भाई रिकवरी में या कहीं भी आपको कोई इश्यू आता है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कौन सी रोम यूज़ कर रहा हूँ, गेंग ओएस जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, उसका भी रिव्यू जल्दी आने वाला है चैनल में, तो उसकी भी वीडियो आने वाली है। और चैनल को अभी तक आपने भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि जब भी मैं ऐसी न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।